RG24 न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों का तहे दिलों धन्यवाद करते हैं जी। अज असीं पहुंचे हाँ जगराओं रेलवे स्टेशन के सामने, जिथे लोक सेवा सोसायटी वालों जोड़ां ते दर्दां दा फिजियोथेरेपी मुफ्त कैंप लगाया गया वा। इत्थे मुख मेहमान वजो प्रिंसीपल डॉक्टर अमरजीत कौर नाज पहुँचे ने। सो आपां उहनां नाल गलबात करांगे, आओ लै चलदे हां तुहानूं कैंप दे विच। लोक सेवा सोसाइटी जगराओं वालों जिहड़ा अज फिजियोथेरेपी का कैंप लगाया जा रहा है, जिहदे विच डॉक्टर रजत जिहड़े है ओह मैं देख रही हूँ कि बड़े तत्पर ने सारे मरीजों की सेवा करने वास्ते। जिवें तुसीं देखते हो कि थां थां ते लंगर लगते ने, ये माघ के महीने तो स्पैशली, तो इत्थे अज सेहत का लंगर लग्या और जिहड़ा सब तो उत्तम है। और मैनू इस गल की बहुत खुशी है कि मैं इस कैंप नू इनॉगरेट किया, और मैनू बहुत इस गल की फखर हो रहा है कि डॉक्टर रजत मैनू लगता है कि वह तत्पर ने इन मरीजों के दर्द नू दूर करने वास्ते, और ये बहुत सोहना काम करनगे जगराओं के वध तो वध लोग जिहड़े ने इसका फायदा उठाण, ता जो क्योंकि साड़ी जिहड़ी तरीका बदल चुकिया जिंदगी दा, ते उहदे करके फिजियोथेरेपी दी बहुत ज़्यादा जरूरत सानूं पैंदी है। ते इहदे विच सिखण दी भी जरूरत है, इहदे विच आके कोई भी सिख भी सकदा है, ते इहनूं इस एक्सरसाइज़ नूं करन वास्ते अपनी कोई भी सपोर्ट लै सकदा है। ते मैं वधाई दिंदी हां लोक सेवा सोसाइटी नूं जिन्हां ने इह उद्दम इत्थों दे लोकां वास्ते कीता है, ते लोकां नूं जगराओं दे लोकां नूं सेहतमंद करन दा उपराला जिहड़ा इहनां ने शुरू किया है, यह बहुत ही शलाघायोग है। तो मैं पूरी सोसाइटी इस गल की वधाई दिनी हाँ कि उन्होंने ये जड़ा अपने मोढ़ियां दे उत्ते ये रिस्पोंसिबिलिटी ली है, और मैं इसलिए अपनियां शुभ आशावां जड़ियां दिनी हाँ। और मैं चाहांगी इत्थे दवाइयां भी वंडियां जाणियां ने, और मैं चाहांगी कि मैनू भी सेवा का मौका दिता जाए कि ता जो मैं इन्हां दीआं कुछ दवाइयां नूं स्पोंसर कर सकां। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तुसीं भी पहुंचे हो, की कहना चाहुंदे हो? अपनी किस्म का लोक सेवा सोसाइटी ने जिहड़ा एक अपना फिजियोथेरेपी कैंप लाया है, प्रिंसीपल नाज ने सही किया भी यह सेहत का भंडारा, सेहत का भंडारा नहीं मिलता, हैल्थ इज वैल्थ। तो जिहड़ी आदमी आपां लोग जिहड़े ना हैल्थ नूं इन्ना नहीं समझते, पर अजकल जिहड़ा युग है जिहड़ा भौतिक युग है, हैल्थ नूं जिहड़ा ना बहुत प्रायोरिटी, विदेशां में भी लोग हैल्थ नूं बड़ी प्रायोरिटी दिंदे है। वो पहलां कितें मिलो ना उही पुछदे है सेहत का की हाल है, पर अपने लोग नहीं इस गल समझते। पर हूँ दिस इज नीड ऑफ द आवर कि आप लोग भी हूँ थोड़ा अवेयरनैस होइए, तो अपना सेहत वाले पास अपना ख्याल करिए। बहुत ही अच्छा एक सलाघा एक इन्हों का एक उपराला है कि इन्होंने एक नई तरह का ये कैंप लाया है, तो हर एक बहुत सारे लोगों प्रॉब्लम होंगी है पर खुल के अगे नहीं आते ना, उन्होंने टाइम हों करा, तो इस करके जो फ्री कोई चीज़ इस तरह हो रही है तो मैं समझ हर एक आदमी का फायदा उठाऊगा। तो लोक सभा सोसायटी खास तौर पर गुलशन अरोड़ा जी नए नए प्रोजेक्ट लेके आते, मैं मुबारक दिना, धन्यवाद देना, मेरे लाके प्रोजेक्ट के कोई सेवा हो तो आई एम रेडी। थैंक यू। ट्रीटमेंट चल रहा इतने किस तरह लोगों को ट्रीटमेंट दिता जाएगा? इतने सर सर्वाइकल का, हड्डिया का, जिन्हें भी जोड़ा दर्द ने, अथराइटिस हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, हर डिजीज़ की फिजियोथेरेपी फ्री की जाए। वैसे तो सानू पहला ही लोक सेवा सोसायटी ते बड़ा नाज है, पर अज प्रिंसीपल नाज इन्होंने जिवें सोने ते सुहागा कीता हैगा, इहो जी शख्सियत तो इहो जे कैंप का उद्घाटन कराना, तो रजिंदर जैन जी वर्गी शख्सियत तो उद्घाटन कराना, ये अपने आप दे विच लोक सेवा सोसायटी की बड़ी वधिया सोच है। डॉक्टर रजत दे हाथ विच जिन्हों पंजाबी कहिंदे शफ है, मैं खुद कई बार इलाज कराया बड़े आराम नाल दी नाल ही, तो इन्हों नूं बड़ा शौक है, हर अपना संडे इन्होंने समर्पित किया होया समाज सेवा दे लई, ते मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना सोसायटी नूं, इन्हां समाज सेवी शख्सियतां नूं, ते नाल नाल उम्मीद करदा कि इस तरह ही जिस तरह मैडम नाथ जी ने खुशी प्रकट की, जैन साहब ने संतुष्टि प्रकट की, खास तौर पर इन्हां जरूरतमंद मरीजों की संतुष्टि देख के, तो मैं बहुत खुशी है। मैं चाहवागा कि परमात्मा गुलशन अरोड़ा जी को चंगी सेह दे, तो इस तरह ही इस अरोड़ा प्रॉपर्टी डीलर से इदा ही इनू एक जैन साहब स्थान समाज सेवी वेन्यू बनाई जा बन गया जी। हाँ जी, बहुत थैंक यू। साडे नाल गुलशन अरोड़ा साहब जी ने जिन्हां दी जगह उत्ते इत्थे कैंप लगाया गया वा। सर क्या देख रहे हो जो कैंप लगाया गया? इदां ही कैंप जो भी लाउंदा मेहनत नाल लाउंदा, जिहड़ा डॉक्टर साहब आउंदे आ आपदी पूरी मेहनत करदे आ ते मरीजां दा बेनीफिट करदे आ, अजी तां मरीजां दे बेनीफिट वास्ते कैंप लाउंदे आ, वध तों वध मरीज जिहड़ा आवे मरीज इत्थों बेनीफिट लैके जावे,
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।